गुड मॉर्निंग गाइस, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम जा रहे हैं कुंभलगढ़, जो है राजस्थान में, और कुछ डिस्टेंस है उसका 300 किलोमीटर जितना है। तो 6 घंटा बता रहा है गूगल बाबा, पर हमें जाते जाते 7-8 घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि बारिश का मौसम है, रोड भी ठीक ठाक ही होंगे और थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलेगा और होल्ड करते जाएंगे, तो 7 या 8 घंटा तो होने ही वाला है। तो देखते हैं क्या होता है। तो और आपको एक एक पल का आपको अपडेट देते रहेंगे कि आप कैसे जा सकते हो और वहाँ कैसे बुकिंग कर सकते हो, सब कुछ। तो हमने रिसोर्ट ऑलरेडी बुक कर दिया था, जिसका चेक इन टाइमिंग है 2 बजे का। ऑलमोस्ट ज़्यादातर रिसोर्ट के टाइमिंग 2 बजे से ही है, 2 से 10 या 11 बजे का आपका चेकआउट रहेगा। तो वही हिसाब से हम अभी निकल रहे हैं और अभी टाइम हो रहा है 9, तो वही हिसाब से निकल रहे हैं ताकि 2 बजे बाद ही पहुँचे। तो अगर आप भी बुक करते हैं तो आप भी ध्यान रखिएगा कि आप 2 बजे बाद पहुँचे, क्योंकि उससे पहले जाएंगे तो आपको रूम नहीं देंगे वो लोग। और क्या था, ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं गाड़ी में बैठ के, आपसे बात करते हैं। तो हाँ जी, अभी आ गए हैं हम गाड़ी में, अभी निकल रहे हैं। देखते हैं, अभी तो 9 बज गया है, पहुँचते पहुँचते कितना बजता है। जैसे मैंने आपको बताया 6 घंटा तो अंदर बता रहा था, पर हमें लगेगा 7 से 8 घंटा, तो वही हिसाब से ही हम निकले हैं। तो देखते हैं अभी, और जैसे जैसे जाएंगे आपको रास्ते भी बताते जाएंगे। हम जाएंगे हिम्मत नगर इडर होके जाएंगे, क्योंकि वही शॉर्ट रास्ता है जो 300 किलोमीटर बता रहा है, तो वही रास्ता हम लेंगे। और जैसे जैसे हम जाएंगे आपको बताते रहेंगे पूरा डिटेल। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से, पहले अहमदाबाद से कुंभलगढ़ के लिए। थोड़ा हिम्मत नगर से आगे निकले हैं, तो कौन लेने के लिए गई है प्रियंका, क्योंकि सुबह नाश्ता किया नहीं था, हम थोड़े जल्दी निकले थे तो इसीलिए भूख तो लगा ही है, तो थोड़ा कौन खा लेते हैं रास्ते में, देखा और मौसम थोड़ा बढ़िया हो गया है, एकदम बारिश वाला हो रहा है ना, तो मज़ा आता है कौन खाने में। तो देखते हैं थोड़ा कौन खाते हैं, पता नहीं कितना प्राइस है यहाँ पे, हाईवे पे है तो थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे ये लोग, तो देखते हैं अभी। तो प्रियंका आ रही है लेके, कितने का था? 30 का एक, मतलब एक ही लिया, तो कितना चाहिए? एक मेरा भी ले लें था, लेके आती हूँ, ये आप ले लो, ठीक है, दे दो, पैसे दे दो, देना पड़ेगा, तो फ्री में थोड़ी मिलेगा। 30 रुपीज का एक लिया है, तो 2 लिए है 60 रुपए के। तो चलिए पहले मैं थोड़ा खा लेता हूँ, देखता हूँ इसका टेस्ट कैसा है, थोड़ा तो गंदा हो जाएगा, शायद बॉयल वाला है ना, इसीलिए 30 रुपीज़ है, अगर बॉयल वाला नहीं लोगे तो उससे कम होगा। अच्छा है, ऐसे ट्रिप पे निकलते हैं ना तो थोड़ा अच्छा लगता है ऐसा खाना। अभी हम पहुंच गए हैं हिम्मत नगर, अभी पता नहीं यहाँ से कितना है डिस्टेंस, देख लेता हूँ, यहाँ से 48 है। अभी हम जा रहे हैं श्यामला जी, जो है उनको तो पता ही होगा, और बाहर वाले हैं उनको भी शायद पता होगा कि श्यामला जी बहुत फेमस मंदिर है। अभी हिम्मत नगर तो पहुँच गए हैं, और एक ही टोल आया है यहाँ पे 70 रुपीज़ का, शायद आगे और टोल नहीं आएगा श्यामला जी तक। फिर श्यामला जी से आगे फिर हम जाएंगे कुंभलगढ़, तो शाम हो ही जाएगा पहुंचते पहुंचते। सोच रहे थे कि रास्ते में आ रहा है तो चलो साथ में ये भी विजिट कर ही लेते हैं, तो ठीक है चलिए आपको वहां पहुंच के दिखाते हैं। हाईवे जो है ना, ये जो हिम्मत नगर से लेके श्यामला जी तक, इतना बढ़िया हाईवे है ना, अभी तक एक भी गाय नहीं आया है। प्लस पॉइंट वो है कि गाय हमें दिक्कत नहीं दिया है, है पर रोड पे नहीं आ रही है, साइड में ही है। और दूसरा कि 70 रुपीज़ जो टोल लिया है ना, वसूल है, लगता नहीं है कि आगे और कोई आएगा, और इतना मजा आ रहा है ना, और ये जो मजा है ना वो मैं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ, बहुत मजा आ गया। टाइम कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है, अभी 34 किलोमीटर बाकी है श्यामला जी, बस पहुंच ही जाएंगे हम आधे घंटे में। तो मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अभी हम श्यामला जी पहुंचने वाले हैं, 15 किलोमीटर बाकी है, तो बस ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। फिर वहां दर्शन करेंगे, कुछ खाएंगे, उसके बाद भी निकलेंगे कुंभलगढ़ के लिए, तो शाम तक बढ़िया से पहुंच जाएंगे। और रास्ता बहुत ही मस्त है, अगर आप वन डे ट्रिप के लिए अगर विजिट करना चाहते हैं ना, तो आप श्यामला जी आ सकते हैं।
तो फिलहाल हम श्यामड़ा जी पहुंच गए हैं और पीछे जो आपको दिख रहा है ना, ये श्यामड़ा जी का मंदिर है। तो ये अभी हम 12 बजे पहुंचे थे तो अभी बंद हो गया है, अब 2:15 को ओपन होगा। तो अच्छा है, हमारा दर्शन तो हो ही गया था, तो अभी दर्शन कर लिया है, प्रसाद भी ले लिया है। यहाँ प्रसाद आपको 15 रुपये का एक लड्डू मिलेगा, तो आपको जितना लड्डू चाहिए उतना आप अलग से ले सकते हो। और ये कुछ ऐसे दिखता है मंदिर, बहुत ही बढ़िया है और एकदम पुराना आर्किटेक्चर है, बहुत ही सुंदर है, काफ़ी सारे फ़ोटो खींचे हैं। अगर आप शॉर्ट्स पहन के आते हो ना तो आपको यहाँ से रुमाल देंगे, वो पहन के आपको अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स पहना था तो मुझे भी अलग से रुमाल दिया था, तो वो पहन के मैं गया। अगर आपको ऐसा है नहीं तो आप पैंट पहन के ही आइएगा, तो ये आपको झंझट ही नहीं रहेगा पहनने का। और देख लीजिए, ये कुछ मंदिर ऐसा दिख रहा है, देख लीजिए ये मंदिर है, और बहुत ही अच्छा वाइब्स आ रहा है। आप देखिए चारों तरफ, वेदर भी बहुत बढ़िया हो गया है। इसके 3-4 गेट अलग अलग है, आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं, देख लीजिएगा। और टाइमिंग ज़रूर देखिए आइएगा, वरना आपका टाइम वेस्ट होगा। ये कुछ ना, रास्ता बहुत ही छोटा है, हम लोग कब से आ रहे हैं, आई थिंक 20-25 किलोमीटर से अंदर आ रहे हैं, खाली एक गाड़ी जाएगा ना उतना ही जगह है, और सामने से ट्रक भी आ रहा है, और अगर 4-व्हीलर आया ना तो आपको साइड में हो जाना पड़ेगा। तो बारिश में आप आओ तो ये ध्यान रखना, क्योंकि देखिए जैसे ये गाड़ी आया ना तो अपने को एकदम साइड में ही लेना पड़ेगा, आधा उसको उतरना पड़ेगा उस तरफ, आधा अपने को उतरना पड़ेगा, तभी निकल पाओगे, क्योंकि अगर आप ऊपर रखोगे ना तो आप जा ही नहीं पाओगे। बहुत ही पतला रास्ता है, बहुत। तो गाइस हम होटल में आ चुके हैं, चेक इन कर लिया है, बहुत थक गए थे इसीलिए मैंने बाहर से वीडियो नहीं बनाया। कल सुबह जब चेकआउट करेंगे ना तो मैं आपको बाहर से बता दूंगा कि रिसोर्ट कैसे दिखता है। इसमें स्विमिंग पूल है, और रात को 7:30 बजे के आसपास कठपुतली का जो होता है वो कुछ यहाँ पे डांस होगा, और फिर फोक डांस होगा जो राजस्थानी होता है। तो मैंने इंक्वायरी कर लिया तो उन्होंने बताया कैसा है, और एकदम टॉप पे टेरेस पे स्विमिंग पूल है। तो ये रिज़ोर्ट का नाम है कुंभलगढ़ फोर्ट रिज़ोर्ट, ऐसा ही कुछ नाम है, फिर भी मैं पूरा एड्रेस और नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप देख लीजिएगा अगर आपको बुक करना है तो। और मैं आपको यहाँ का नज़ारा बता रहा हूँ, और पहले आप रूम टूर ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि बाहर का नज़ारा कैसा है। एक नंबर है भाई साहब, एक नंबर, फुल्ली पैसा वसूल है। चलिए पहले मैं आपको रूम टूर करा देता हूँ कि रूम कैसा है। यहाँ से एंट्रेंस करते हैं तो ये यहाँ का मेन डोर है, फिर ये बेड है, ये अलमारी है, आपको अगर कुछ रखना है तो आप रख सकते हैं। ये टेबल है, ये सामने टीवी, फ्रिज, सब कुछ है, चाय भी अगर आपको बनाना है तो बना सकते हैं। और यहाँ से जो नज़ारा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एकदम टॉप का रूम लिया है, तो आप खाली देखिए क्या व्यू है यहाँ से, वाह। और ये रही अपनी थार, देखिए ऐसा नज़ारा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा राजस्थान के अलावा, वाव। तो ऐसा ही है रूम, ये रूम मुझे कुछ 5000 के आसपास मिला था, तो आप देख लीजिएगा अगर कुछ ऑफर लग जाएगा या फिर कुछ डिस्काउंट होगा तो आपको शायद कम में भी हो सकता है, पर मेरा 5000 लगा था, तो उसमें मेरा ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। तो आप देखिए एसी भी है, और स्ट्रक्चर देखिए एकदम एकदम राजस्थानी सब कुछ। चलिए तो फिर मैं आपको बताता हूँ बाथरूम, तो ये कुछ है बाथरूम, देख लीजिए एकदम नीट एंड क्लीन है, एयर ड्रायर भी है जो अपना रिक्वायरमेंट रहता है। बाकी ये कुछ है, इसमें तो और ज़्यादा क्या बताएं, पर देख लीजिए क्लीन है, तो ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। गीज़र भी है आपको हॉट वाटर चाहिए तो, ठीक है। तो हमें आते आते 2 बार टोल लगा था, एक शायद 70 रुपीज़ का लगा था और एक शायद 175 का लगा था, क्योंकि हम लोग ना श्यामड़ा जी होके आए थे। अगर आप डायरेक्ट से आपको आएंगे तो शायद आपको 70 के आसपास लगेगा, वो एग्जैक्ट मुझे रूट का उस तरफ का पता नहीं था, पर मैं श्यामड़ा जी होके आया था इसीलिए मेरे 2 बार टोल लगा है, तो ठीक है। पर रास्ते बहुत अच्छे थे जो मैंने आपको वीडियो में आके बताया है,
कि रास्ते में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगा आने में, और जो टाइम गूगल आपको दिखाएगा ना आप वही टाइम पे पहुंचोगे, उसे लेट नहीं होगा। बस यहाँ से रास्ते आते आते ये जो बीच वाला जो 40-50 किलोमीटर का रास्ता था ना जो गांव के बीच में से आ रहा था वो बहुत ही पतला था, तो इसीलिए वो दिक्कत कर रहा था थोड़ा, उसमें मेरा ज़्यादा टाइम लग गया। चलिए थोड़ा हम रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर जब 7:30-8 बजे जो फोक डांस उनका चालू होगा तो वो सब मैं शूट कर लूँगा और वो मैं वीडियो में डाल दूँगा। तो चलिए मिलते हैं शाम को ही। तो मेरे रूम के बाहर का कुछ नज़ारा ऐसा है, मैं आपको बता देता हूँ कैसा दिख रहा है मेरा रूम, रूम के बाहर वाला हिस्सा देखिए, बाहर रिसोर्ट कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। ये जो झूला है ना वहाँ से चल के आपको ऊपर जाना है, और ये वाला जो हिस्सा है ना वो स्विमिंग पूल है ऊपर, और नीचे ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। ये कुछ रूम ऐसे हैं, ऐसा कुछ है ये रिसोर्ट, और ये जो क्रिकेट खेल रहे हैं ना यहाँ पे ही फोक डांस होगा शाम को, ऐसा बताया है रिसेप्शन से। तो देखते हैं शाम को आएंगे नीचे। तो अभी बस हम आके बैठ गए हैं, अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होगा ही, जैसे स्टार्ट होता है ना मैं पूरा आपको वीडियो बना के आपको बताऊँगा कि कैसा होता है यहाँ का, फिर भी मैं आपको एक खाली दिखा देता हूँ कि कैसा है ये बाहर से।